राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे। आप कथा में वो शक्कू बाई की जो कथा बताते हो आप, जिनके ससुर, वो विट्ठल जी के लिए इतना मतलब वो प्रेम था, शक्कू बाई करती थी, तो उनके ससुराल वाले मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो साधुओं के पीछे चली गई थी, विट्ठलनाथ जी के पीछे। तो भगवान जी ने अपने आप भगवान जी ने उनको छोड़ दिया और खुद को बांध दिया अपने आप को मारने के लिए। क्या ये सही है? महाराज जी, जब भी आप ये कथा बताते हो तो आप बहुत रोते हो। मैंने ये फील किया है, आप रोते हो तो हमको भी रोना आता है। जब भी आप किसी कॉमेडी में हंसते हो तो हम भी हंसते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको क्या कहें? अच्छा है, भगवान की कथाएँ केवल आपको ही प्रभावित नहीं करती, भगवान की कथाएँ हमें भी प्रभावित करती हैं, वो हमें भी भाव विभोर करती हैं। अच्छा, तो उसी भाव में डूब करके आपको जब डुबाते हैं तो और आप डूबते हैं। और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था, अभी मेरी मैया आई थी जयपुर से हमारे साथ, तो हम ऐसे वैसे इकट्ठे होके बात कर रहे थे कि महाराज जी बताते हैं कि भाई 20,000 लोग रसोई में डेली खाते हैं, भोजन करते हैं, मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो बीच में 2 घंटे की रसोई बंद होती है। तो मैंने कहा मैया, अपन ने तो देखा ही नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी रसोई बंद है। नहीं, अब नहीं बंद होती, अब नहीं, पहले बंद होती। मैया ने कहा कि अपना कैटरिंग, मेरी मैया का कैटरिंग का काम है खुद का, तो मैया ने कहा मेरा कैटरिंग का काम है, महाराज जी जिस हिसाब से बता रहे हैं 20,000 लोग खाते हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, कम से कम 30-40,000 लोग के खाना खाते होंगे। बिल्कुल मैया का। और महाराज जी, 2 लाइनें आपके लिए बजाएं। जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, मछली पानी बिना एक पल भी न रहे जैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, सदा प्यार तेरा ही मांगे, सदा प्यार तेरा ही मांगे, और कुछ ना चाहे, प्रेम तेरे में तन मन रांगे। राधे राधे गुरुजी। वाह, सुंदर, खुश रहिए। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। जी जी, मेरा एक प्रश्न है, पितृपक्ष में लोग जो पूजा करते हैं पितरों की, तो उसमें मतलब जैसे मेरी सासू माँ नहीं है, तो उसमें पितृपक्ष में हम लोग को 2 दिन जो तिथि होती है ना, उस दिन पूजा करनी होती है, तो उसमें लोग बोलते हैं कि जिसकी सासू माँ नहीं है वो मतलब भगवान की पूजा उस मंथ में नहीं कर सकते पितृपक्ष में, तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? कर सकते हैं, ऐसा किसने बोला? ये सब कौन फैला रहा अफवाह? अच्छा, मैं एक और, भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम सदा सब समय कर सकते हैं। और मासिक धर्म में क्या सिंदूर नहीं लगाते हैं? मासिक धर्म में सिंदूर जी माथे पर जी उन दिनों नहीं लगाते हैं, अलग से भी, अलग के अगर रखे हो उसमें से भी नहीं? जो लगा है माथे पर वो, अच्छा, जब सिर धुल जाएगा जब, तब उसके बाद ही फिर होगा सिंगार। अच्छा, मतलब सिर ही नहीं धुलेगा तो सिंगार क्या होगा? अच्छा, लेने, अगर आप कहते हैं ना कि जैसे बच्चे को संस्कार माता पिता ही देते हैं, तो अगर एक एक संतान, एक माता पिता से अगर 2-3 संतान हो, तो माता पिता परवरिश के लिए तो तीनों बच्चों को एक ही संस्कार देते हैं। हाँ। अगर उसमें से एक बच्चे सुधर गए या 2 सुधर गए और एक ना सुधरे, अगर गलत रास्ते पे चले गए, तो इसका श्रेय माता पिता को ही जाएगा? नहीं, माता पिता को तो जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके भी तो पैदा होता है ना, सब अपना अपना भाग्य लेकर के पैदा होते हैं, जैसे जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा लाख कोई प्रयास करे, तो माँ बाप को
फर्ज है, ये बात इसलिए कही जाती है कि तुम अपनी तरफ से लापरवाही मत करो, बाकी उसका भाग उसे जहाँ ले जाए वो तो वहीं जाएगा। नहीं तो जैसे लोग कहते हैं ना कि इसके माता पिता क्या संस्कार दिए हैं, वो तो कहते हैं कि एक एक तो सही रास्ते पे जा रहा है, अगर एक माता पिता को नहीं मान रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो ये क्यों बोलते हैं लोग कि माता पिता ही संस्कार नहीं दिए हैं, माता पिता की ही गलती है, ऐसी क्यों? ऐसे इसलिए ताकि दूसरे माता पिता गलती ना करें, वो अच्छे से जिम्मेदारी से संस्कार दें। तो फिर दूसरे पहले वाले बच्चे को भी तो वही संस्कार मिला है ना, तो एक कर रहे हैं और एक ना करे तो फिर ये कैसे? व्यक्ति का अपना संस्कार होता है, व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है, वो भोगना पड़ता है अच्छा और बुरा। माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस के पढ़ाए लिखाए, संस्कार दिया, बाकी का अपना भाग्य भी तो होता है ना साथ में। अच्छा, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।